जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया। केहड़पत्ता के शहरी इलाकों में 10 और दही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। कोटचुट्टा में 12 घंटे से बिजली बंद। तवील बंदिश से शहरी शदीद परेशान। मुजफ्फरगढ़ में सुबह 7 बजे से बिजली की फराहमी बंद। बिजली से 27 शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का महकमा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। डॉलर की ऊंची उड़ान रुपए की कदर को करके ही हल्का। इंटर बैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 185.45 रुपए से बढ़कर 186 रुपए पर पहुंच गई। माहे सयाम में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पोटाबास में देसी लीमू 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। तरबूजा 120 और खजूर 650 रुपए फी किलो तक फरोख होने लगी। केला 180 रुपए फी दर्जन के हिसाब से बिकने लगा। शहरियों का आला हुकाम से कीमतों में कमी का मुतालबा। फूलों का बादशाह गुलाब भी गर्मी का शिकार। शदीद गर्मी के बाइस पैदावार में 40% कमी। माहरीन ज़राअत की काश्तकारों को आपाशी का खास ख्याल रखने की तलकीन। मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की मांग में इजाफा हो गया। मांग में इजाफा होते ही कीमतें भी बढ़ गईं। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी। बहावनगर के रमजान बाजारों में ईद स्टॉल्स लगा दिए गए। उधर खानेवाल रमजान बाजार में कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल सज गए। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का रमजान बाजार का दौरा। ईद स्टॉल्स का जायजा।